Jain scholar from Ahmedabad, Sumani Charitra Prajna will now speak. My salutation to all enlightened beings for showing us the path of non-violence and peace. Honorable chairperson, all respectable spiritual consciousness on the dais of the dais. In the morning somebody have told about thesis, antithesis and synthesis. So I come to the point of the synthesis of both the language between Hindi and English. It's better to blend with both, not with Hinglish, but use of both the language as for my speech to talk about in Hindi and English. It's very proud moment for us today to be here to talk about this simple message. Main isliye simple message keh rahi hoon because everybody believe in the concept of non-violence. Do you agree with me or not? जब हम अहिंसा को समझते हैं, अहिंसा के ऊपर सम्मान भी रखते हैं, तो हम अहिंसक क्यों नहीं बन पाते? It's a biggest question. जानते हुए भी, समझते हुए भी, और उसको importance देते हुए भी, जब अहिंसा की बात आती है, तो पता नहीं, लोग हिंसा को ज़्यादा अपनाते हैं, अहिंसा को भूल जाते हैं. So my conviction is why it happens, why there is a gap between our wisdom, knowledge and the application of that wisdom. Gyan aur acharan mein ye difference kyun hai? Gyan hamare paas bahut hai. Yahan jo bhi baithe main janti hu, they are very well known scholar, very reputed scholar and maybe they are very best in their own field. Sab kuch hote hue bhi जब प्रैक्टिस की बात आती है, आचरण की बात आती है, हम पीछे हट जाते हैं और हम हमारी प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं, हमारी बात को भूल जाते हैं. बिकॉज आई हैव बीन मेनी मेनी कॉन्फ्रेंसेस, डजंट मैटर वेदर इट्स ए नेशनल और इंटरनेशनल पार्लियामेंट और वर्ल्ड पार्लियामेंट, पता नहीं क्या क्या आप उसके लिए कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लीजिए, बट द रूट कॉज इज स्टिल स्टेइंग देयर. The root cause, which is still burning issue in everybody's mind, and everybody is feeling that ki hum shant purna nahi hai. Just a simple question I want to ask you: kya aapka man shant hai? It's difficult to answer this question. Hum ye kahenge ki hum shant hain, hum ye bhi kahenge ki hum shant nahi hain. Ek baar kisi se pucha gaya, do you feel stress? अगर आपसे भी पूछा जाए, डू यू लीव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, दो टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है. व्हाट इज दैट? डे एंड नाइट. तो इसमें तो आपका सब शामिल हो गया. वेर एवर द माइंड इज स्ट्रेसफुल, कैन यू थिंक दैट वी कैन लीव ए नॉन वायलेंट लाइफ स्टाइल? इट्स नॉट पॉसिबल. भगवान महावीर, महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे, दिस द लास्ट प्रॉफिट, लेकिन ये परंपरा जो पीछे से चली आ रही है फ्रॉम ऋषभदेव ऑनवर्ड्स, इट्स अ सिंपल मैसेज. और उन मैसेज में उन्होंने यही कहा, द कोर प्रिंसिपल विच वी हैव टू फॉलो, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, विच इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट, एंड विदाउट दैट वी कैनॉट हैव ए पीस ऑफ माइंड. शांति चाहिए. अभी जैसे भी सब स्पीकर्स ने कहा, शांति बाहर से नहीं आती. Can you tell me any departmental store, any big mall which sells that? नहीं है कहीं पर. Then where should it come from? It should come from within. हमारे अंदर से ही आएगा, हमारे मन से ही आएगा, हमारे विचारों से ही आएगा, हमारे lifestyle से ही आएगा, हमारे practice से ही आएगा. अगर हम उस शांति की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आप देखें कि आज हम आसपास में बैठते हैं, हम सबके साथ में बैठे हुए हैं. हम क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हम मानते हैं वी आर एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, और हमें आपसे डर नहीं है. अगर हमें आपसे डर होता तो क्या कोई यहाँ पर बैठा हुआ मिलता यहाँ पर?
नहीं मिलता. द फियर इज देयर. और सबसे ज़्यादा फियर आज किसको किससे है? आदमी को आदमी से डर है. आदमी को जानवरों से डर नहीं है, लेकिन आदमी को आदमी से ही डर है. इंसान को इंसान से डर है, क्योंकि उसे पता है कि उसको अगर ख़त्म करेगा तो इंसान ही ख़त्म करने वाला, और अगर उसको जिलाएगा तो कौन? इंसान ही इंसान को जिला सकता है. इसलिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम जो कहें, हम जो माने, हम जो समझें, हम जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ें, हम जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ें, लेकिन सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए, वी शुड बी ए रोल मॉडल ऑफ इट. वी शुड बी द प्रैक्टिशनर ऑफ दैट प्रिंसिपल एंड वी शुड प्रेजेंट अवर सेल्फ. तो मैं ये मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उससे बहुत बड़ा चेंज होगा, उससे हम रियली उस लाइफ में, उस जीवन में जी सकते हैं, विच इज़ वॉट वेरी प्रोमिनेंट इन दिस मॉडर्न एज. तीन प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है. टू मेक अवर लाइफ सस्टेनेबल, टू मेक अवर सेल्फ टू बी वेरी जस्टिस, टू मेक अवर सेल्फ वेरी पीसफुल. नॉन वायलेंस, दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल. एंड द सेकेंड प्रिंसिपल, अनेकांतवाद. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूँ. हस्बैंड एंड वाइफ और दो बच्चे, कोई बात पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया. और शायद मैं मानती हूँ कि हर एक के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं कि नहीं. तो फिर आप क्या करते हैं? डू यू गो थ्रू ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रिंसिपल, एनी सोल्यूशंस? तो कोई बात आपस में होगी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में. वाइफ ने कहा कि मैं तो रोज रोज की बात से परेशान होगी, बेटर आई शुड गो टू माई पीहर, मेरे पीहर जाना चाहती हूँ. तो हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, तुम पीहर जाओ, बच्चों को भी बहुत टाइम हो गया है, ननिहाल नहीं गए हैं, बच्चे भी ननिहाल चलते हैं, और मैं भी ससुराल नहीं गया काफ़ी समय से, तो चलो मैं भी ससुराल चलता हूँ. इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. अगर हम लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को देखें, लाइफ के हर इंसिडेंट्स को देखें, वी डू हैव द सोल्यूशंस फॉर दोज प्रॉब्लम, लेकिन हम सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो पाते बिकॉज आवर लाइफ इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. और स्ट्रेस किसका? स्ट्रेस बहुत चीज़ों का होता है. द स्ट्रेस में भी बिकॉज ऑफ अवर ईगो, द स्ट्रेस में भी बिकॉज ऑफ अवर एंगर, द स्ट्रेस में भी बिकॉज वी आर टू मच टूवर्ड्स द मटीरियल वर्ल्ड, द स्ट्रेस में भी बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑलवेज वी चेज बिहाइंड टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर, दैट्स नो फुल स्टॉप फॉर इट. तो ये सारे स्ट्रेस अगर हमारे दिमाग में होंगे तो इसीलिए हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं कर पाते, हम सोल्यूशंस ढूंढ नहीं पाते, और हम प्रॉब्लम के साथ ही चलते हैं. मैंने कई लोगों को देखा, अगर आप सुबह पूछेंगे कि आप कैसे हो, अरे क्या करें ये प्रॉब्लम है, और शाम को रात को सोने से पहले भी पूछो कि क्या आप ठीक हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, अब कैसे नींद लूँ. यानी दिन की शुरुआत प्रॉब्लम से होती है, पूरा दिन प्रॉब्लम में बीतता है, और रात को जब हम सोते हैं तभी प्रॉब्लम के साथ सोते हैं. तो क्या आप सोच सकती हैं कि वो जीवन अच्छा हो सकता है? इट्स कॉन्ट दैट वी कैन नॉट लिव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, देन ऑलवेज वी आर टूवर्ड्स मोर अग्रेसिवनेस, मोर वायलेंट, मोर टूवर्ड्स पोजेशन, मोर टूवर्ड्स वेल्थ एंड प्रॉपर्टी एंड पोजेशंस एंड एवरीथिंग, ऑलवेज वी आर चेजिंग आफ्टर. इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम ऐसे सिद्धांतों को पकड़ें, ऐसे प्रिंसिपल्स. दैट्स अ सिंपल प्रिंसिपल, दीज आर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल. डजेंट मैटर कि जैन है, कि क्रिश्चियन है, कि इस्लाम है, कि सिख है या बुद्धिस्ट है, दीज आर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल. और हर रिलीजन इस बात को कहता है, हर रिलीजन में ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वी हैव टू फिगर आउट दोज सॉल्यूशंस फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट फॉर आवर लाइफ, एंड डेफिनेटली वी कैन लीड ए वेरी सिंपल लाइफ, ए वेरी पीसफुल लाइफ, वेरी जस्टेबल लाइफ, वेरी सस्टेनेबल लाइफ. आज की दुनिया में सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात चल रही है, पर हु इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम? इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है? चाहे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम देख ले, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देख ले, इंडिविजुअल प्रॉब्लम देख ले, फैमिली प्रॉब्लम देख ले, सोसाइटल प्रॉब्लम देख ले, एवरीवेयर हम हमेशा उसी बात में सोचते हैं, उसी बात में जीते हैं. डेफिनेटली वी नीड ए काइंड ऑफ अवेयरनेस, ए वेरी पॉजिटिव थाट, एंड दैट पॉजिटिव थाट विल मेक अस टू बिकम क्लोजर टू ईच अदर, understand with each other, respect with each other, and that will open up a new scenario for us as a non-violent society, as a non-violent nation, as a non-violent, the whole world can make this world as a very peaceful world, जिससे हम लोग आसानी से जी सकते हैं. एक छोटा सा उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी कि लाइफ को जिए तो हम कैसे जिए. एक आज का मॉडर्न टेक्निकल पर्सन आदमी मान लीजिए, बहुत सारी डिग्रीज उसके पास में हैं, बिकॉज
आप आज का जमाना ये हो गया है, एजुकेशन में भी ये हो गया है, इफ़ यू हैव सो मेनी डिग्रीज इट मीन्स यू आर वेरी लर्नड, यू आर वेरी गुड स्कॉलर, लेकिन रियलिटी में उसके लाइफ में कितना है कोई नहीं समझता। तो शहर गया हुआ था पढ़ कर के आया, वापस गांव आ रहा था, अपनी ओरिजिनलिटी में आ रहा था। तो आते समय उसको एक नदी क्रॉस करना था उसे, तो वो जब नदी क्रॉस करने के लिए बोट में बैठा, वो बोटमैन बहुत सिंपल गांव का आदमी, उस गांव के आदमी ने सोचा कि चलो इस आदमी को पार करना है तो शांति से पार करूँगा, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिग्रीज लेकर के आया, उसके मन में उतावलापन था टू वॉन्ट टू शो अप कि मेरे पास में क्या क्या ज्ञान है। उसने उस बोटमैन से पूछा कि क्या तुम फिजियोलॉजी को जानते हो? उस आदमी ने कहा भाई मैं तो गांव का सीधा सिंपल आदमी, ये क्या है मैं नहीं जानता, ये लॉजी क्या है मैं नहीं समझता, आप तो सिंपल क्वेश्चन पूछो मेरे से। बोले नहीं तुम मुझे ये बताओ कि तुम फिजियोलॉजी को जानते हो? उसने कहा नहीं जानता। इट मीन्स 25% ऑफ योर लाइफ हैज़ गॉन, क्योंकि तुम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते हो, तुम अपने जीवन अपने शरीर की पूरी रचना को नहीं समझते हो कि सेल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, सिस्टम्स क्या है, इसका मतलब 25% तेरी लाइफ बेकार हो गई। अब उसको मजा आया कि सामने वाला कुछ नहीं जानता, तब तो और पूछना चाहिए, और ये होता है जैसे ह्यूमन टेंडेंसी। तो उसने दूसरा प्रश्न पूछा क्या तुम साइकोलॉजी जानते हो? उसने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता। अरे साइकोलॉजी नहीं जानते हो तो किसी के मन को कैसे समझोगे, किसी के विचारों को कैसे समझोगे? इसका मीन्स 25% तुम्हारी लाइफ और बेकार हो गई, इट मीन्स 50%। अब थोड़ी देर और चला, उसको तो और उतावलापन हो रहा था। ही आस्क द थर्ड क्वेश्चन, चलो ये बता दो कि तुम बायोलॉजी जानते हो कि नहीं? उसने कहा भाई साहब मैं परेशान हो गए हूँ आपके प्रश्नों से, मैं ये नहीं जानता। इट मीन्स 75% ऑफ योर लाइफ हैज़ गॉन। इतनी सी देर में अब वो सुनामी आई या क्या आया उस पानी के अंदर, एंड द बोट वॉज शेकिंग। अब बारी किसकी? उस बोटमैन की। उस बोटमैन ने कहा नाउ आई आस्क एज ए सिंपल क्वेश्चन टू यू, क्या तुम भी लॉजी की भाषा में बोल रहे हो, तो मैं भी उसी भाषा में बोलना चाहता हूँ, तुम थेरियोलॉजी जानते हो? उसने कहा ये कौन सी लॉजी, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि थेरियोलॉजी कोई होता है। उसने कहा अब तुम मेरी तो 75% ही लाइफ बेकार हुई, अब तुम्हारी तो 100% लाइफ जाने वाली है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी इस बात के साथ में, हम लाइफ को सिंपल बनाएं, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, डोंट मेक इट एज ए प्रॉब्लम मेकर, डोंट मेक इट टूवर्ड्स ऑलवेज चेजिंग फॉर समथिंग, मेक योर सेल्फ वेरी पीसफुल, मेक योर सेल्फ वेरी सिंपल, मेक योर सेल्फ विच यू कैन लिव विथ ईच अदर, दैट विल मेक यू ए ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ए ब्यूटिफुल फैमिली, ए ब्यूटिफुल पर्सन, ए ब्यूटिफुल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, विच मेक यू नॉन वायलेंट, विच मेक यू पीसफुल, विच मेक यू सस्टेनेबल। थैंक यू वंस अगेन, ओम अरहम।